वाला आज है ही नहीं। इतना पूरा दिन आज ऐसे ही रहेगा। और चले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी, खैरियत है, ठीक ठाक, मैं बिल्कुल फिट फाट, सब जबरदस्त। सुबह का आगाज़ हो गया जी, बहुत अच्छी सुबह। हम वॉक के लिए आ गए, बिल्कुल आ गए जी, वॉक करेंगे, सेहत को बेहतर रखेंगे, मामला सारे बेहतर रहेंगे, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा सोचें जी, अच्छा होगा इंशाल्लाह। और फिलहाल आजकल जो मेन कॉज है हमारा, जो टारगेट है, वो इस वक्त हमने किया हुआ है, सैलाब ज़दगान की मदद, बिल्कुल जी मदद, हम क्या मदद करेंगे, अल्लाह मदद फरमाता है। इंसान का कॉज पूरा होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए लाइफ में। तो बड़ा नुकसान हुआ है जी पाकिस्तान में, आप लोग को पता होगा, बिल्कुल पता होगा जी, बहुत। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस सिलसिले में। रात भी हम कहीं गए हुए थे, सुबह 4 बजे आए और आपके सामने, आप लोग भी लगे हुए हमारे साथ, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में, जो जिस तरह से अपना हिस्सा डाल रहा है, अल्लाह पाक उसके इस हिस्से को, उसकी इस काविश को कबूल करे रब्बुल आलमीन। दुआ करें जी, बड़ी आफत है, बड़ा तूफ़ान है, बड़ा सैलाब है, बहुत तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इंशाल्लाह फिर खड़े हो जाएंगे, हमेशा अल्लाह पाक ने मदद की है। तो बात कहने की आज तो ये है कि काफ़ी अपसेट हैं इस वजह से कि बड़ा लॉस हो गया, फसलें तबाह हो गई हैं जी, बिल्कुल। जो मामला, जो असरात आगे जाके अब आने वाले हैं, उनको हम सब ने मिल के ही फेस करना है इंशाल्लाह अज़ीम। कहने की आज यही है कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें जी, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है, इसको पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, बहुत अच्छा रखें, बहुत अच्छे लोग हैं आपके साथ, इवन आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, अगर आप नहीं जाते हैं, कहीं मिस हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, मसरूफियत हो जाती है, सारी सी बात है, पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं जी। काफ़ी दिनों मैं भी मसरूफ़ रहा, तो इस्पेशली आसिम और लंदन में जो हमारे और भाई हैं, सारे काफ़ी पूछते रहे हैं और कांटेक्ट में रहे, तो इसलिए कुछ दिनों से वीडियो कम हो रही थी। बाकी आसिम भाई आपके साथ बिल्कुल 1-to-1 थे और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट है आप लोगों का, सबका, सब ने बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है वो साइन किया है। अच्छा, बात ये मज़े की मैं आपको बताऊँगा, सारी बातें हो गई, लेकिन वेदर हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वेदर डिस्कस करने वाला आज है ही नहीं। इतना खूबसूरत मौसम है, इतना खूबसूरत मौसम है, आप देख रहे होंगे बारिश के बाद ग्रीनरी हो गई है, हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत जो है, फीलिंग भी अच्छी आती है, वेदर अच्छा हो तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो लिहाजा बताते चले जी, आज है ट्यूसडे और 30 अगस्त, टेम्परेचर 28-29, आई थिंक पूरा दिन आज ऐसे ही रहेगा। और चलें जी, सुबह का आगाज़ हो गया, चलते हैं, कुछ काम है ज़रूरी, वो काम निपटाएं। चलें जी आसिम की तरफ चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वंस अगेन कि अब हम दोबारा से जो है वो आपके साथ रबते में रहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत रबतों में रहते हैं, सबकी बहुत 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 दुआएँ सबके लिए, खुशियाँ, मोहब्बत, अल्लाह पाक आज का दिन आप सबके लिए बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी खुशियाँ लाए। सलाम, प्यार, मोहब्बत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज नाश्ते से शुरू करिए बात, कि पता तो लगे नाश्ते में क्या हो रहा है। नाश्ता बहुत सिंपल होता है, कभी कभी होता है दूसरा तीसरा भी, लेकिन वैसे नॉर्मली सिंपल है। सुबह सुबह खाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसलिए बहुत ही सिंपल सा काम है। खैर, आप सुनाए, आज माशाल्लाह हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब भी हैं, और थैंक यू अतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मसरूफियत, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने इतने अच्छा टाइम निकाला हमारे लिए, मसरूफ़ बहुत है अफगानिस्तान में स्पेशली, रोज़ की बड़ी ज़्यादा मसरूफियत है ना, रोज़ हमारे पास तो एक रूटीन वर्क है, वहाँ जो ना रूटीन से हटके बहुत काम है, लाइट चली गई, पानी ख़त्म हो गया, फला आ गया, कहीं चले गए, बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे वो रोज़ की बुनियाद पर लड़ रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, यही फैमिली है और यही
इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट मतलब थोड़ी हाँ ही है, मतलब यही जिंदगी है, मज़ेदार जरा घूमते फिरते हैं। आज डेट और टाइम तो बताया नहीं सही से, वो एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि जी स्काई वाले जो है वो मुझे हायर करना है। नहीं भाई अभी टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं आया, लेकिन आज हो गई 30th of August और टेम्परेचर अच्छा है आज, 23 रहना है, ठीक है अच्छा है। लेकिन मैंने कल किसी ने मुझसे बोला था कि कोई बहुत ज़्यादा बारिश की प्रेडिक्शन है और बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। मैंने अभी तक देखा नहीं सही से वेदर आगे वाला, लेकिन ये कि आई डोंट नो, मे बी अल्लाह रहम फरमा, और कोई जो ग्लोबल चेंजिंग हो रही है कुछ भी हो सकता है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है। पाकिस्तान यस अब आफ्टर इफेक्ट्स अल्लाह रहम फरमा बहुत ज़्यादा है, कि जो सबसे बड़ी बात अच्छी चीज़ मैंने देखी कल कि अवेयरनेस बहुत थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि अवेयरनेस इतनी अच्छी थी कि कोई जानी नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। 2010 में देखे ना तो तकरीबन 260 बंदे थे जो शहीद हुए थे और ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस दफ़ा क्या है कि ये सोशल मीडिया और लोगों के अंदर अवेयरनेस, टूरिज़्म ज़्यादा है, लोग जाते आते हैं, तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई थी, तो वो सब कुछ छोड़ के ही अपनी जान पहले उन्होंने बचाई, विच इज़ नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत नुकसान नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, माली नुकसान बहुत हुआ है, लोगों के जायदादें चली गई। मैं ऐसी एक खातून से पाकिस्तान में मिला था, वो जो जलजला आया था ना उसमें उनकी ज़मीन, फ़र्ज़ करें आप अगर यहाँ थी ना, तो जब जलजला आया तो वो चल के बिल्कुल अपोजिट चली गई, इतना वो ट्रैवल किया पहाड़ ने, क्या क्लेम है उसका। अब वो जो ज़मीन थी वो दो ज़मीनें आपस में मिल गई, तो क्या क्लेम है उसका। वेल अभी तक वो इश्यूज़ चल रहे हैं, मैं देखता हूँ उस इशू को, सुनता हूँ। या ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपने कभी फेस भी नहीं किए होंगे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ये एक इशू है कि जी मेरी ज़मीन चल के वहाँ चली गई। तो इसी तरह यही हुआ है कि लोगों की जो होटलों की ज़मीन थी, शॉप्स की, तकरीबन 5 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, वो जो ट्रैवल करके ज़मीन कहीं और चली गई, पानी में चली गई, अब इसका क्या होगा। फसल तबाह हो गई, फसल चली गई, टूरिज़्म हमारा बहुत डिस्टर्ब हुआ, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं भाई, बहुत बुरे हैं। कि मतलब ये जो बेरोज़गारी अब उस खत्ते में बढ़ेगी, उधर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये बहुत सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया में जो, पूरे पाकिस्तान में जो इसके इफेक्ट्स आएंगे कि जी वहाँ से बहुत सारी सब फल आते थे, फ्रूट्स आते थे, वो कम हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट वहाँ से बहुत आता था वो कम हो जाएगा, क्रॉप ही ख़त्म हो गई ना, जैसे मैंगो की क्रॉप ख़त्म हुई है सैलाब से, तो इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 1 महीना पहले मैंगो ख़त्म हो चुका है, मतलब खुल के मैंगो नहीं आया, आया 1-2-4 हफ्ते आया होगा, वेरस 4 मंथ आता खुल के मैंगो आता, लेकिन अभी नहीं आया जब, क्योंकि क्रॉप ख़राब हो गई। इवन पाकिस्तान में भी बहुत कम शॉर्ट रहा मैंगो, तो ये सूरत हाल हो जाती है। बहरहाल ये सोचने वाली बात है, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, और जो खिदमत कर रहे हैं उनका कबूल फरमाए। चले गाड़ी में बात करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा बाहर का मौसम भी देखते हैं, ठीक है जी जनाब। गाड़ी में बैठ के अब बस मैं जाऊंगा एक बात करके कि माशाल्लाह, मैं कल एक किताब पढ़ रहा, उसमें लिखा था बड़ी खूबसूरत बात थी कि हज़रत अली फरमाते हैं कि, हज़रत अली का कॉल है ये, बहुत ऑथेंटिक कॉल है, हज़रत अली फरमाते हैं कि जनाब हम सब कुल कायनात सो रही है और वो मरने के बाद जागेगी। मैंने थोड़ी देर सोचा इस बारे में और मैंने सोचा कि वाकई हम वाकई सो रहे हैं और हमें अब कैसे जागेंगे, क्या होगा। ये ऐसा नहीं कि हम वाकई वो वाला सो रहे हैं और कुछ ऐसी बात है, लेकिन ये बताने के लिए कि हमारे निशानदही करने के लिए हमारे ऊपर कि आपने जाग जाना है, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, तो इंशाल्लाह देखते भी हैं, अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। एक बात मैंने आपसे शेयर की, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी सी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, मैं अब चाहता हूँ काम की तरफ और इंशाल्लाह चले देखते हैं उमर भाई आज हमसे क्या बात करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर साहब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं उमर फराज। आज 30 अगस्त 2022, लाहौर का मौसम आज बहुत अच्छा है, हवा चल रही है और ब्राइट सनशाइन है। कल बारिश हुई है खासी, अल्लाह की रहमत बरसी है, मुनासिब बारिश हुई है, जो ज़मीन को चाहिए था जितना पानी, और किसी को तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौसम हो गया और मुनासिब बारिश हो गई। लेकिन जो हालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाकी हिस्सों में बने हुए हैं, उसके लिए दिन रात लोगों की कोशिशें भी चल रही हैं, दुआएं भी चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त भी जो उन पे आया हुआ है वो भी टल जाएगा। आज मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, तिर्मिज़ी शरीफ में रवायत है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा किया तो वो हचकुले खा रही थी, और अल्लाह ताला ने फिर पहाड़ पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि तुम ज़मीन को थामे रखो। इस पर फरिश्तों को पहाड़ की मजबूती पर ताजुब हुआ और दरियाफ्त किया, ये ऐ अल्लाह, क्या आपकी मखलूक में कोई पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लोहा पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत है। फिर दरियाफ्त किया, क्या लोहे से भी ज़्यादा कोई चीज़ मजबूत है? तो अल्लाह ताला ने कहा, आग, आग लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। फिर दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह, क्या आग से भी ज़्यादा कोई चीज़ ताकतवर है? तो अल्लाह ताला ने कहा, पानी। तो फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह, क्या पानी से भी ज़्यादा कोई मजबूत चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ, हवा, हवा पानी से भी ज़्यादा मजबूत है। फरिश्तों ने फिर पूछा, क्या हवा से भी ज़्यादा कोई चीज़ मजबूत है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो इंसान जो सदका दे दाएं हाथ से और बाएं हाथ को पता ना लगे। सुभान अल्लाह। इस चीज़ को ज़रूर सोचें और हमें इस पे अमल भी करना चाहिए कि नेकी इस तरह ज़ाया ना करें, हम दें और किसी को पता ना लगे, नेकी ज़ाया ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।